दोस्तों, दुनिया में ऐसे बहुत से इंसान होंगे जिनकी स्पेस में जाने की ख्वाहिश होगी, लेकिन ये ख्वाहिश बहुत कम लोगों की पूरी होती है। आपको सुनने में यकीनन खलाओं का सफर बहुत दिलकश लगता होगा, लेकिन हकीकत में ये दुनिया का मुश्किल तरीन सफर है, जिसमें हादसात और जान जाने का बहुत ज्यादा खतरा होता है। दोस्तों, खलाबाज सफर में जाने से पहले महीनों ट्रेनिंग लेते हैं। इनका जिस्मानी तौर पर फिट होना बहुत जरूरी होता है। इसके अलावा और भी न जाने कैसे कैसे टेस्ट पास करना पड़ते हैं, फिर जाकर वो इस सफर के काबिल होते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो दो दफा इस सफर पर गया, लेकिन दूसरा सफर इसका आखिरी सफर साबित हुआ, क्योंकि इस बार इसके साथ कुछ ऐसा हुआ कि वो खला की लामहदूद वस्तों में पहुंच तो सही सलामत गया, लेकिन वापसी के सफर में इसके साथ कुछ ऐसा हुआ कि वो खला की बुलंदियों से सीधा जमीन पर आ गिरा। दोस्तों, ये 1960 की दहाई थी जब दो बड़े मुल्कों के दरमियान एक जंग छिड़ गई। ये जंग हथियारों और बारूद की नहीं थी, बल्कि ये जंग टेक्नोलॉजी की थी, जंग जो रूस और अमेरिका के दरमियान थी। खला में इंसान को भेजने के लिए ये दोनों सुपर पावर्स तैयारियां कर रहे थे। दोनों की कोशिश थी कि सबसे पहले खला में इंसान को वो भेजें, ताकि तारीख की किताबों में ये लिखा जाए कि सबसे पहले किस मुल्क ने खला की बुलंदियों को छुआ था। रूस बहुत पहले से ही अपने सैटेलाइट्स खला में भेज चुका था। आखिरकार स्पेस में पहुंचने की रेस में भी रूस ने जीत हासिल की और यूरी गागरिन वो पहले इंसान बने जो खला में पहुंचे थे, और यूं तारीख के पन्नों में ये अहम बाब हमेशा के लिए दर्ज कर दिया गया। लेकिन आज की ये कहानी यूरी गागरिन की नहीं, बल्कि व्लादिमीर कोमारोव नामी एक एस्ट्रोनॉट की है जिसका ताल्लुक रशिया से था। दोस्तों, 3 अप्रैल 1967 का दिन था जब एक स्पेस रॉकेट रशिया के स्पेस बेस से खला की जानब रवाना कर दिया गया। ये रॉकेट अभी खला के सफर पर निकला ही था कि कोमारोव को अंदाजा हो गया कि इस जहाज में कुछ तो खराबी मौजूद है, लेकिन इस खराबी को नजरअंदाज करते हुए कोमारोव ने अपना सफर जारी रखा और खला की गहराइयों में कामयाबी के साथ पहुंच गया। कोमारोव ने खला में 27 घंटे गुजारे और जमीन के गिर्द 18 चक्कर भी लगाए। कोमारोव इस स्पेस क्राफ्ट में बिल्कुल अकेला जमीन के गिर्द चक्कर लगा रहा था। हालांकि वो जानता था कि जहाज में कुछ तकनीकी खराबी जरूर मौजूद है, जिसकी वजह से वो अब परेशान भी था। इस खलाई जहाज में 2 सोलर पैनल लगाए गए थे जिनको स्पेस में पहुंच कर खोलना था, लेकिन जहाज के अंदर खराबी होने की वजह से सोलर पैनल ने काम करना छोड़ दिया, और यही वजह थी कि स्पेस क्राफ्ट को रोशनी भी नहीं मिल रही थी, जिसकी वजह से जहाज को काफी नुकसान पहुंच रहा था। ये बात नीचे जमीन वाले भी जान गए थे कि जहाज में खराबी मौजूद है। अब कोमारोव को जमीन पर वापस जाना था, लिहाजा वो जमीन पर लैंड करने की तैयारी करने लगा। ये बात तो आप लोग जानते होंगे कि हर स्पेस क्राफ्ट के साथ 2 पैराशूट जरूर लगाए जाते हैं, ताकि वापसी पर इन्हें खोल कर स्पीड को कम किया जा सके और जमीन पर आसानी के साथ लैंड किया जा सके। कोमारोव जब वापस जमीन की तरफ लौटने लगा तो जमीन की फजा में दाखिल होते ही जहाज की स्पीड बढ़ने लगी। अब कोमारोव की बदकिस्मती देखो कि जैसे ही वो फजा में दाखिल हुआ, इसने पैराशूट को खोलने वाला बटन दबाया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। उसने दोबारा कोशिश की, लेकिन पैराशूट ओपन ही नहीं हो रहा था। कोमारोव सैकड़ों किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से जमीन की तरफ आ रहा था। वो बार बार पैराशूट को खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बदकिस्मती से पैराशूट जाम हो गया था। इस दौरान कोमारोव ने जमीन की तरफ आते हुए बेबसी और खौफ के आलम में रशिया के स्पेस सेंटर से राब्ता करते हुए खतरनाक सूरत हाल से आगाह किया। दोस्तों, रशियन उसे हर हाल में बचाना चाहते थे। उन्होंने एक जहाज उसको बचाने के लिए भेजा, लेकिन आज उसकी किस्मत खराब थी, क्योंकि मौसम खराब होने की वजह से उसको बचाने के लिए जहाज उड़ान नहीं भर सका। आखिरकार कोमारोव इंतहाई तेज रफ्तारी के साथ जमीन पर कैप्सूल के साथ आ गिरा। ये जिस स्पीड से जमीन पर गिरा था वो सैकड़ों किलोमीटर फी घंटा थी। बाद में जब व्लादिमीर कोमारोव की कैप्सूल को खोला गया तो इनका जिस्म एक कोयले में तब्दील हो गया था। दोस्तों, कोमारोव एक बार पहले भी यूरी गागरिन के साथ खला में जा चुका था। ये कामयाब पायलट भी था, इसलिए रूस चाहता था कि दोबारा इसे खला में भेजा जाए,
क्योंकि अगर ये मिशन कामयाब होता तो रूस के लिए ये एक अजीम कामयाबी होती। लेकिन ये मिशन नाकाम हो गया और खलाई जहाज में तकनीकी खराबी होने के बायस कामारोव को अपनी जान देना पड़ी। लेकिन इंसानी तारीख में इस हीरो को आज भी याद किया जाता है और हमेशा याद किया जाएगा। दोस्तों, आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।